आप स्तोत्र और प्रार्थना से गीत तक पहुंच सकते हैं। गोपी यहाँ से आगे बढ़ी है, उसके लिए इतनी लंबी प्रतीक्षा प्रतिभा रही है। अपने को आसान इसलिए लगता है क्योंकि हम स्वर्णकार की दुकान पर हीरा खरीदते हैं। इस व्यास पीठ ने इसको बहुत सहजता से व्यक्त कर दिया है। भागवत जी की पिटारी में व्यास जी ने इस रत्न को छुपाकर सबको दे दिया। इसकी खान बहुत बड़ी है, वही इस गोपी गीत का परम स्वरूप है। ये तो प्रेम की बात है जिसकी अभिव्यक्ति बहुत कठिन है, फिर भी हम उसके स्पंदनों का अनुभव करने की बात समझें। इस दुनिया में चाहे वो लौकिक स्तर पर क्यों न हो, बड़े से बड़ा विद्वान भी अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए शब्दों को कम ही समझता है। चाहे वो एक माँ का अपने संतान के प्रति स्नेह हो, चाहे वो जीव के प्रति स्नेह हो, चाहे वो किसी पति पत्नी के मध्य का संबंध हो, चाहे वो भक्त और भगवान के मध्य का संबंध हो, शब्द कम ही प्रतीत होते हैं।